बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखवे किला ने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारो सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में बड़ी ही वीआईपी सीट है सुर्खी, और सुर्खी वीआईपी सीट इसे है काय के सुर्खी में मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास गोविंद राजपूत चुनाव लड़ने वाले हैं। अबे भी वे विधायक थे सुर्खी से, इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग भाजपा में चले गए, इस्तीफा होगा विधायकी से, इसके बाद मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद अब फिर से उनको चुनाव जीतवो जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। अब अगर गोविंद राजपूत को मंत्री बनो रहने तो फिर उनको हर हाल में विधायक बनवो जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का करे ई को लेकर बड़ो सवाल है। और कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरों को अपने पाले में ले आवे की कोशिश है, और इन बड़े चेहरों में एक नाम है पारुल साहू को। अब पारुल साहू कांग्रेस पार्टी के टिकट पे का चुनाव लड़ें, बहुत दिनों से ऐसी अटकलें चल रही। एक बात तय हो गई कि पारुल साहू गोविंद राजपूत को समर्थन नहीं कर बेवारी। काय के पारुल साहू 2018 तक विधायक हती, 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सुर्खी से, और ऊ टेम गोविंद राजपूत को उन्हें हरा तो 2013 में, 5 साल लगातार उनकी जो अदावत, राजनीतिक अदावत कही जाती है, मतलब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कह लो, दुश्मनी कह लो, जो भी कह लो, बार लगातार चलत रही गोविंद राजपूत से। और वही बीच में गोविंद राजपूत ने कछु ऐसी टिप्पणी पारुल साहू के बारे में करी थी जी खो पारुल साहू ना तो अभी तक भुला पाई हैं और ना आगे भुला पे हैं। और इन टिप्पणियों को लेकर ऊ टेम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बवाल करे, तो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी महिला मोर्चा ने, और भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी थी। लेकिन यह राजनीति है जनाब, अब वक्त बदल गए है। बदले वक्त में गोविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भाजपा के बड़े नेता बन गए और वे चुनाव लड़ने वाले हैं। जबकि पारुल साहू जिनकी 2018 के विधानसभा के उपचुनाव में टिकट काट दी गई थी, वे हाशिए पे हैं। अब पारुल साहू लगातार भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन भाजपा में रह के भी अपनी पार्टी के कई सारे निर्णयों पे हर दिन सवाल उठा रही, और जी तरीके से सिंधिया समर्थकों की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई और उसके बाद जो दखल बढ़े उसको लेकर भी पारुल साहू लगातार मुखर हो रही हैं। और यही वजह से एक सवाल उठ रहा हूं कि कब पारुल साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अभी तक ऐसो कोनो भी जो घटनाक्रम है ऐसो नहीं समझ में आ रहा कि पारुल साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। जब आते हैं कि गोविंद राजपूत के खिलाफ वे मैदान में दिखाई दे सकती, अब वे कैसे दिखाई दें, पर्दे के पीछे या पर्दे के बाहर या फ्रंट में सामने आके दिखाई दें, जो अब सवाल है। लेकिन यही बीच में एक खबर और आई है, और यह खबर लगातार सागर जिला के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, और यह खबर हम आपको आज बता रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि पारुल साहू भाजपा या कांग्रेस के नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकती हैं सुर्खी विधानसभा सीट से। अब आप सोचोगे निर्दलीय विधानसभा सीट से उतर भी में उनको का फायदा, और अगर पारुल साहू निर्दलीय उतर गई तो कांग्रेस को का फायदा, पारुल साहू निर्दलीय उतर गई तो भाजपा को का फायदा, जो हम आपको पूरा गलत बता रहे हैं। जी खो पारुल साहू के जो करीबी लोग हैं उनने ई बात की तरफ पारुल साहू को दिमाग ले जाने की कोशिश करी है कि अगर अपन निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कई सारे फायदा है। पहलो फायदा अगर पारुल साहू के फायदे के लिहाज से बात करें, पारुल साहू अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी असंतुष्ट लोग हैं जो गोविंद राजपूत के चुनाव लड़ने के बाद से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे या गोविंद राजपूत के भाजपाईकरण से खुश नहीं है, वे सब पारुल साहू की तरफ शिफ्ट हो सकत, ऐसी पारुल साहू के जो रणनीतिकार हैं उनको लग रहा हो। दूसरी बड़ी बात के जो भी कांग्रेस के, चूंकि कांग्रेस के पास सुर्खी में पारुल साहू या फिर भाजपा को कोई बड़ो नेता ना उतरवे तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ो चेहरा समझ में नहीं आ रहा, कम से कम स्थानीय स्तर पे, को बाहर से चेहरा आ जावे तो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर हैं वे भी गोविंद राजपूत को हरावे के लाने पारुल साहू की तरफ जा सकत, और इन्हीं दो ही समीकरण को मिलावे के बाद, क्योंकि 2013 से 2018 तक पारुल साहू विधायक रही, घर घर में उनके अपने संपर्क हैं, और इन संपर्कों को अभी भी वे 2020 तक लगातार बनाए रखे हैं सुर्खी में,
तो इन सब चीजों को मिला जुला के पारुल साहू एक कड़ी टक्कर दे सकती गोविंद राजपूत को निर्दलीय के तौर पे, और दूसरों पारुल साहू को कि जो उनके सलाहकार हैं उनको जो भी मान वो है कि जब निर्दलीय चुनाव में उतरें तो कांग्रेस भी कहूँ ना कहूँ उनको अंदरूनी तौर पे सपोर्ट दे और चुनाव जीतने के बाद दो ही पार्टियों में पूछ परख बनी रहे और जितने भी मुनासिब हुई है ऊ तरफ चल पड़े पारुल साहू। अब पारुल साहू के समीकरण हमने आपको बताया, पारुल साहू कौन मुद्दों को लेके या कौन सी ऐसी नाप तोल है जी के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं जो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दे दी। और दूसरी बड़ी बात कि ईब अगर पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा को खा फायदा है, भाजपा को सीधे तौर पर दो ही हाथन में लड्डू हो जाए। पहली बात के अगर पारुल साहू निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और अगर गोविंद राजपूत चुनाव जीत जाते तो भाजपा के भी मंत्री हैं और वे सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर चुनाव जीत जाए विधानसभा को। और अगर गोविंद राजपूत को पारुल साहू हरा देती हैं कांग्रेस के कोनू कैंडिडेट के बजाय तो पारुल साहू को अपने पाले में ले आवो, भविष्य में एक संभावनाओं को रास्ता खोल दे भाजपा के लाने जो भाजपा अपने तरीके से सोच रही। दूसरों पक्ष कांग्रेस को देखो, कांग्रेस कह रही कि अगर मान लो पारुल साहू निर्दलीय चुनाव लड़ती तो कांग्रेस भी सोच रही कि वही के दो हाथों में लड्डू है। पहला लड्डू जो कि अगर मान लो पारुल साहू चुनाव जीत गई तो सीधे तौर पर गोविंद राजपूत जी को हराएं तो पारुल साहू को कांग्रेस में तब ले आ जा सकता अगर सरकार बनने की कोई स्थिति भाई दोबारा। और अगर मान लो पारुल साहू चुनाव हार जाती हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तो पारुल साहू निश्चित तौर पर गोविंद राजपूत के वोटों को काटते हैं, क्यों कहा कि भाजपा के वोट हैं दो हिस्सा में बटे सीधे तौर पर बटे। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो प्रत्याशी हुई है ऊखो चुनाव जीतने में बड़ी मदद मिल सकते है। कुल मिलाकर राजनीति को ऐसा घटनाक्रम देखो आप, एक काल्पनिक बात को लेकर तीन पक्ष सोच रहे हैं और तीन ही इनको लग रहा इनमें हवा फायदा है और ई के बाद की को फायदा जमीन पे हुई है। पारुल साहू निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पे हैं कि नहीं दिखा पे हैं, या फिर वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें, या फिर आखिरी तक कैसे उम्मीद करके पारुल साहू को भाजपा मना ले जो अभी भविष्य के गलत में है। लेकिन राजनीति अटकलों को खेल है और जो अटकलें अब सागर जिला की सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में बहुत तेजी से जोर पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में, अब धरातल पे का हुई है और सच्चाई में का हुई है जो अलग विषय है। कहा कि राजनीति को एक बहुत छोटो सा उसूल है कि जो आपको दिखाऊ थे वो होत नहीं है और जो होत है वो आपको दिखाऊत नहीं है। ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।